चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के 3 साल 11 महीना और 23 दिन के बाद भारत आज चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करेगा। दोपहर 2:35 पर आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से LVM-3M4 रॉकेट के जरिए इसे स्पेस में भेजा जाएगा। इस मिशन से भारत अपनी स्पेस पावर दुनिया को दिखाना चाहता है। अगर मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला 4th देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 स्पेस क्राफ्ट के 3 लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल है। 45 से 48 दिन के बाद यानी 23 या 24 अगस्त को लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे। ये दोनों 14 दिन तक चांद पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। बता दें जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की ऑर्बिट में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस की स्टडी करेगा। मिशन के जरिए इसको इसरो जो है पता लगाएगा कि लूनर सरफेस कितनी सिस्मिक है, सॉइल और डस्ट की स्टडी की जाएगी। चंद्रयान 3 शुक्रवार की दोपहर 2:35 पर चंद्रमा की ओर भरेगा उड़ान। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ मिशन। करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास करेगा लैंडिंग। लॉन्चिंग श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर के लॉन्च पैड 2 से होगी। इसको चंद्रमा पर भेजने के लिए किया जा रहा है NLM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया जा रहा है। चंद्रयान 3 मिशन साल 2019 में भेजे गए चंद्रयान 2 मिशन का फॉलोअप मिशन है। इसमें लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग और रोवर को सतह पर देखा जाएगा चलाकर। हालांकि लैंडर को चांदी की सतह पर उतरना सबसे कठिन काम है। 2019 में चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडिंग की हार्ड लैंडिंग हुई थी जिसकी वजह से मिशन खराब हो गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर्स के थ्रस्टर्स में किया गया है बदलाव। सेंसर से ज़्यादा संवेदनशील लगाए गए हैं। लैंडिंग के समय वैज्ञानिकों की थमी रही कि सांसें।